गाजीपुर में दो नकाबपोश बदमाशों ने एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड डिलीवरी सेंटर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश सेंटर से 3 मोबाइल फोन के साथ करीब 7 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। हालांकि बदमाशों की ये पूरी करतूत मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे बदमाश आराम से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चोरी की इस पूरी वारदात की जानकारी सेंटर सुपरवाइजर को होने के बाद आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। सुपरवाइजर ने बताया कि जब वो सुबह सेंटर आए तो देखा कि कैश काउंटर से लाखों रुपए गायब थे। मैंने रोज की तरह ऑफिस को संडे की शाम को बंद किया, मैं घर चला गया। सुबह आया देखा तो ऑफिस में जो लॉक करते हैं शटर में, उसमें ताला नहीं था और वो लॉक था। हमने मैं खोला था शटर, ऊपर किया, रोज की तरह हम अपना काम कर रहे थे। फिर किसी कोई सामान की ज़रूरत पड़ी तो हमने लॉकर की तरफ देखा तो लॉकर में कैश नहीं था जी। फिर अलमारी खोल के देखा तो उसमें 3 मोबाइल नहीं थे। कैश में लगभग हमारा 7 लाख के समथिंग गायब है और 3 मोबाइल फ़ोन है जिसकी कीमत 50,000 लगभग है। और तभी हमने अपने स्थानीय पुलिस पे 100 नंबर डायल करके उन्हें तुरंत संपर्क करके बुलाया। इसके बाद उनसे मदद ले रहे हैं और यही चाहेंगे कि हमारा जल्द से जल्द इसको मतलब खोज करें। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। जमानिया स्टेशन के पास वरुण गांव में एक चोरी हुई है और उसके सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है, क्योंकि उसने कैमरा लगा रखा था। वो लोग जो है वो स्पष्ट नहीं है, मुंह पर अंगोछा वगैरह बांधे हैं और दुकानदार का कहना है कि रात में वो 7:15 पर गया है और थोड़ा सा सस्पेक्टेड लग रहा है, क्योंकि एक गैलरी जैसा घर है, उसमें कोने में हेलमेट के नीचे चाबी रखी है, अंदर से ताला बंद है जी। और दुकान बाहर है तो अंदर उसमें रहने वाला जो भी व्यक्ति होगा वही ताला खोला होगा और वही बाहर आया होगा। तो सीसीटीवी कैमरा, उसकी फुटेज और BTH सर्विलांस टीम वहाँ से उठा रही है और जो भी उसमें दोषी होगा सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की पहचान के आधार पर तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा करने का आश्वासन दे रही है, लेकिन हैरानी की बात है कि बदमाश सिर्फ 5 मिनट के अंदर पूरी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।